हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से वेलकम है। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 13.3। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट दी कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द अमाउंट ऑफ दी फॉलोइंग। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन के चार पार्ट हैं, तो इन चारों में हमें क्या करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट और अमाउंट निकालना है। तो सबसे पहले हम पहला पार्ट करेंगे। देखिए, जो पहला पार्ट है इसमें क्या दिया है, इसमें जो प्रिंसिपल है वो हमको दिया है 6000, ठीक है, और फिर टाइम है 3 ईयर्स, ठीक है, फिर रेट दिया है 10%। अब हमें सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट दोनों ही निकालना है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अमाउंट निकालेंगे। अमाउंट के लिए ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 + r/100 देन t, ठीक है। देखिए, प्रिंसिपल की वैल्यू है 6000, ठीक है, देन 1 + r जो है वो है 10, और जो यहाँ पे डिवाइड बाय 10 कर देंगे, और जो टाइम पीरियड 3 यहाँ पे लिख देंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए, ये एक ज़ीरो, एक ज़ीरो तो ये ऐसे ही कट जाएगा, और 6000 फिर ये बन जाएगा 1 + 1/10^3 देन 6000। इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, तो ये बन जाएगा 10 देन 10 + 1/3 देन 6000 × 11/10^3। इसको हम लिख सकते हैं 6000 × 11/10 × 11/10 × 11/10। अब देखिए, यहाँ पे क्या होगा, ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, तीन ज़ीरो ऊपर वाले तीन ज़ीरो से कट जाएंगे। अब जो है 6 × 11 × 11 × 11, ठीक है। अब इस सबको मल्टीप्लाई करेंगे, तो इन सबको मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आएगा वो आएगा 7986, ठीक है। तो ये क्या मिला, ये मिला हमको अमाउंट, हमारा अमाउंट आ चुका है। अब हमें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट तो ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं 7986, इसमें हम माइनस कर देंगे प्रिंसिपल जो कि है 6000, तो माइनस करने पे जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 1986 रुपीस। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जो है पार्ट टू ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें प्रिंसिपल अमाउंट है 1600 और जो टाइम दिया है वो है 2 ईयर्स, और जो हमें रेट दिया है वो है 5% एनुअल रेट है। तो अब हम सबसे पहले फार्मूला यूज़ करेंगे अमाउंट का, अमाउंट प्रिंसिपल 1 + r/100 t, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल जो होगा वो होगा 1600 देन ब्रैकेट 1 + r हो गया 5/100 देन पावर है 2, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पे देखिए, 5 × 1 = 5 हो गया, और 5 × 20 = 100 होता है, तो ये बन गया 1600 1 + 1/20^2 देन 1600 ब्रैकेट में, ये देखिए एलसीएम से ये बन जाएगा 21/20^2, और ये हो गया 1600 × अब 21/20 को हम दो बार मल्टीप्लाई कर देते हैं, 21/20 अब देखिए, दो ज़ीरो इसके और इसके कट जाएंगे, 2 × 1 = 2 हो जाएगा, 2 × 8 = 16, 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, ठीक है। तो क्या बचा, 4 × 21 × 21, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करने से आंसर आ रहा है, वो आ रहा है 1764। तो ये हुआ हमारा अमाउंट। अब हमें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, जिसकी वैल्यू है अमाउंट की 1764 और प्रिंसिपल है 1600, इनको हम माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 164। चलिए, अब हम इसका थर्ड क्वेश्चन करते हैं, जिसमें हमें प्रिंसिपल दिया है 8500, टाइम दिया है 2 ईयर्स, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वह है 15% है यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम पहले निकालते हैं अमाउंट, अमाउंट होगा प्रिंसिपल देन ब्रैकेट 1 + r/100, तो r तो 15 है, डिवाइडेड बाय 100 करते हैं, पावर हो जाएगा टाइम यानी 2। अब देखिए, 5 × 3 = 15 होता है, 5 × 20 = 100 होता है, तो ये बन जाएगा 8500 ब्रैकेट 1 + 3/20 पावर
टू। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे फर्दर 8500 ब्रैकेट, अब इसको हम एलसीएम से सॉल्व करेंगे तो 20 देन ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 20 प्लस 3 पावर 2 देन 8500 देन 23 अपॉन 20 ये हो गया स्क्वायर। अब 8500 इंटू 23 बाई 20 इंटू 23 बाई 20, तो देखिए 20 तो इसका हम यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं, अब यहाँ कुछ कटने वाला नहीं है, तो जो बाकी बचा है 85 इंटू 23 इंटू 23 ये सबको मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर में 2 2 4 फिर इससे डिवाइड करेंगे। तो देखिए पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करने से आंसर आएगा 44,965 डिवाइडेड बाय 4। अब इसको हम डिवाइड करते हैं 4 से, तो डिवाइड करने के बाद आंसर आएगा 11241.25। तो ये जो है ना ये निकला आपका अमाउंट। अब हमें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, जो हो जाएगा 11241.25 माइनस जो प्रिंसिपल है वो है 8500, इसको माइनस कर देंगे तो इसको माइनस करने पे जो आंसर आएगा वो आएगा 2741.25। चलिए अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फोर्थ। यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल दिया 20,000 टाइम 3 इयर्स है, हमारे पास जो रेट है यहाँ पे 5% है, तो पहले इसका निकालते हैं अमाउंट। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस 1 आवर 100 देन पावर टी। तो देखिए प्रिंसिपल तो 20,000 है, यहाँ लिख लेते हैं इसको देन ब्रैकेट 1 प्लस आर की जो वैल्यू है 5 है, 5 डिवाइडेड बाय 100 पावर हो गया 3। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 1 5 हो गया एंड 5 20 100 देन ए इज इक्वल टू 20,000 ब्रैकेट में 1 प्लस 1 अपॉन 20 पावर 3। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 20,000 ब्रैकेट में 21 अपॉन 20 बन जाएगा देन ये 3 देन 20,000 इंटू 21 अपॉन 20 तीन बार मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे 21 अपॉन 20 बस 1 2 3 ये 1 2 3 तीन ज़ीरो कैंसिल फिर 2 1 2 2 10 20 देन 2 1 2 एंड 2 5 10 देन 2 1 2 और 2 2.5 यहाँ पे लिख सकते हैं। अब देखो मल्टीप्लाई करेंगे हम 2.5 × 21 × 21 × 21। अब ये सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो अमाउंट है वो आ जाएगा, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे देखिए तो जो आंसर है हमारा आएगा 23,152.5। तो ये जो है ना ये आ गया हमारा अमाउंट। अब हमें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट है सिंपली 23,152.5 माइनस प्रिंसिपल जो है वो है 20,000, इसको माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा सिंपली 3,152.5। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए इसमें क्या लिखा है, सलमा 2 का लोन ऑफ ₹625। ठीक है तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल अमाउंट हमें लेना है 625, 625 रुपये उसने लोन लिए, इसने सलमा ने कहाँ से लोन लिया, महिला समिति। तो देखिए क्या होता है अलग अलग छोटे छोटे जगहों में गांव वगैरह में ऐसा होता है, समिति बनती है फिर वहाँ से उनको लोन वगैरह मिल जाता है, तो इन्होंने लोन लिया है। अब किस लिए लोन लिया है, स्विंग मशीन के लिए लोन लिया, स्विंग मशीन सिलाई मशीन होती है और इसको इंटरेस्ट रेट जो है वो मिला है 8%, यानी 8% का रेट लगेगा, इतना ब्याज उसको देना पड़ेगा जो कि एनुअली कैलकुलेट होगा। तो बताना है कितना मनी उसे रिटर्न करना पड़ेगा आफ्टर 2 ईयर्स, तो यानी टाइम पीरियड है हमारे पास 2 ईयर। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें सिंपली जो है फॉर्मूला यूज़ करना है ये वाला, ए इज इक्वल टू पी 1 + R/100 पावर टी। तो यानी 2 साल के बाद कितना अमाउंट उसे रिटर्न करना है यही फार्मूले से निकलेगा। तो देखिए प्रिंसिपल तो हो गया 625 ब्रैकेट 1 + 8/100 पावर 2 वेर 625 वन प्लस देखिए यहाँ पे कट जाएगा 4 2 8 एंड 4 20 4 25 100 होता है तो
फिर ये 2/25 पावर 2। अब इसको एलसीएम से सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट का पहले 625, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, तो 25 + 2/25 पावर 2 = 625। फिर ये बन गया 27/25 पावर 2, तो देखिए 625 देन 27/25 × 27/25, तो 25 इससे कट जाएगा, 25 × 625 होता है, देन 25 × 25 देन 27 × 27। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो है अमाउंट आ जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करने से आ रहा है 729। यही है हमारा आंसर। चलिए हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा, फाइंड आउट द प्रिंसिपल दैट बिकम 5,832 × 8% कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो इसका मतलब देखिए क्या है, यहाँ पे जो है ना हमें प्रिंसिपल फाइंड करना है, फाइंड आउट द प्रिंसिपल लिखा है ना यार, प्रिंसिपल हमें नहीं दिया है। अब दिया क्या है फिर, तो यहाँ पे हमें अमाउंट दिया है, अमाउंट है 5,832, ये अमाउंट दिया है, साथ ही साथ जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दिया है 8%, और जो टाइम पीरियड दिया है वो दिया है 2 ईयर्स। तो अब हमें बताना है कि प्रिंसिपल कितना है, तो फॉर्मूला वही यूज़ होगा, दैट इज़ A = P ब्रैकेट में 1 + R/100, और जो इसकी पावर होगी वो हो जाएगी T। ठीक है, अब अमाउंट की वैल्यू हमें गिवन है, तो अमाउंट की जगह हम लिखेंगे 5,832। प्रिंसिपल नहीं गिवन है, तो प्रिंसिपल को केवल P लिख देंगे, देन 1 + जो R की वैल्यू है वो है 8/100, और पावर हो गया 2। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, P ऐसे ही रहेगा, अब ये 4 × 2 = 8 हो गया, एंड 4 × 25 = 100 होता है, तो 1 + 2/25 पावर 2 रहेगा, देन 5,832 = P। हाँ, ब्रैकेट में देखो ये बन जाएगा, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 27/25 पावर 2, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, P × 27/25 then 27/25। अब ये क्या होगा, ये 25 इधर ट्रांसफ़र होगा, तो ये न्यूमरेटर में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 5,832 से ये दोनों 25 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 25 × 25, और ये 27 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 27 × 27। ठीक है, और राइट साइड केवल रह जाएगा ये वाला P। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने से जो है आपका आंसर आ जाएगा, तो पहले देखो इसको 3 से हम काट देते हैं, 3 × 9 = 27 होता है, ये कट जाएगा, 3 × 1 = 3 देन 3 × 9 = 27 हो जाएगा, 3 × 4 = 12 हो जाएगा, देन 3 × 4 = 12। अब ये फिर 3 से कैंसिल होगा, तो इसको काट देते हैं, 3 × 9 = 27 इसको कैंसिल करेंगे, तो ये देखिए 3 × 6 = 18 हो गया, देन 3 × 4 = 12 हो गया, 3 × 8 = 24 हो गया। अब ये फिर 3 से कटेगा, तो हम यहाँ से काट देते हैं इसको, 3 × 3 = 9 और ये कट जाएगा, 3 × 2 = 6 3 × 1 = 3 3 × 6 = 18। अब ये फिर 3 से कटेगा, तो अब इसको यहाँ से काट देते हैं, इसको थोड़ा यहाँ रब कर देता हूँ फिलहाल, तो ये 3 × 3 = 9 हो गया। अब ये कटेगा, 3 × 7 = 21 एंड 3 × 2 = 6 हो गया। अब ये फिर कटेगा फर्दर, 3 × 1 = 3 इसको कैंसिल कर देते हैं, 3 × 2 = 6 एंड 3 × 4 = 12 हो गया। अब ये और कटेगा, 3 × 1 = 3 एंड 3 × 8 = 24। तो देखिए सारा कट गया, तो यहाँ पे केवल 8 बचा, तो अब क्या बचा फाइनली आपके पास, ये इतना कैंसिल होने के बाद केवल 8 बज रहा है, और ये जो 25 × 25 ये रहेगा, तो इसको मल्टीप्लाई करने से जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 5,000 रुपीज़, जो प्रिंसिपल हुआ आपका वो हुआ 5,000। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो कि फोर्थ क्वेश्चन, इसमें क्या लिखा है, व्हाट परसेंट ऑफ द एनुअल इंटरेस्ट डज द ₹4,000 बिकम 5,290 इन 2 ईयर्स इफ द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड एनुअली। तो देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या करना है, व्हाट इज द एनुअल परसेंट, यानी पूछ रहा है एनुअल परसेंट यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, ये हमें पता करना है, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया है। ठीक है, और दिया क्या है, तो यहाँ पे जो दिया है आपको प्रिंसिपल जो है वो है 4,000। ठीक है, और जो अमाउंट है
वो दिया है आपको 5290 और टाइम पीरियड इज़ गिवन 2 ईयर्स। अब आपको आर फाइंड करना है, तो आप फॉर्मूला वही यूज़ करेंगे, ए इज़ इक्वल टू पी 1 + R/100 T। ठीक है, तो देखिए अमाउंट तो गिवन है, ये है 5290, ठीक है, इज इक्वल टू प्रिंसिपल हमें दिया है, ये है 4000, देन ब्रैकेट में 1 + R नहीं दिया है, तो इसको ऐसे ही लिखेंगे, देन ये 100 हो गया, देन जो इसकी पावर है वो हो जाएगी 2। अब देखिए क्या करेंगे हम, इसको इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं, 4000 लेफ्ट हैंड जाएगा तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो 5290/4000 इज़ इक्वल टू 1 + R/100 और जो पावर है वो हो जाएगी 2। अब देखिए हम क्या करेंगे, ये इसका ज़ीरो, इसके ज़ीरो से कट गया, ठीक है, अब क्या बचा, 529/400। तो देखिए राइट हैंड साइड में क्या है, ये ब्रैकेट में स्क्वायर है, यदि हम इसका स्क्वायर हटाना चाहते हैं, ठीक है, तो इसको हम हटा सकते हैं, और करना क्या पड़ेगा, यदि इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इसके लेफ्ट हैंड साइड में जो भी नंबर है उसके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए स्क्वायर हट गया, यहाँ स्क्वायर रूट आ गया, अब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो देखिए 529 का स्क्वायर रूट होता है 23, तो यहाँ लिख लेंगे 23, और 400 का स्क्वायर रूट होता है 20, तो यहाँ लिख लेंगे 20 इज इक्वल टू हो गया 1 + R/100। अब देखिए सिंपल हो गया, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं यहाँ पे, चलिए अब ये 1 को पहले लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे, -1 बन जाएगा, तो 23/20 - 1 इज इक्वल टू R/100 हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं एलसीएम से, तो डिनोमिनेटर है 23 - 20 हो जाएगा इज इक्वल टू R/100, ये कितना बन गया, ये बन गया 3/20 इज इक्वल टू R/100। अब देखिए इस 100 को हम लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई होगा 3 से, तो 3 × 100/20 इज इक्वल टू R। देखिए एक ज़ीरो इसका कट जाएगा, फिर 2 × 1 = 2 एंड 2 × 5 = हो गया 10 एंड 3 × 5 = 15 होता है, तो जो आपका इंटरेस्ट आएगा फाइनली वो आएगा 15%। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो कि है 5th क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या लिखा है, एट व्हाट रेट, तो इस स्टेटमेंट का ही मतलब ये बता रहा है कि हमें रेट फाइंड करना है। ठीक है, तो एट व्हाट रेट डज द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर ₹1800, तो इसका ये मतलब है कि जो प्रिंसिपल है वो हो गया 1800, ठीक है, 1800 बी ₹378, मतलब जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो होगा 378 होगा, 378 इन 2 ईयर्स, यानी जो टाइम है वो 2 ईयर, यानी कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जो हमारा 1800 का प्रिंसिपल है उस पर कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा 378 दो साल में, ये हमें पता करना है, यानी आर फाइंड करना है। तो ठीक है, अब कैसे करेंगे आर फाइंड करने के लिए, तो यहाँ पे सबसे पहले हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो सिंपली होता है अमाउंट में प्रिंसिपल को माइनस करते हैं तब मिलता है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो हम यहाँ पहले फाइंड करेंगे अमाउंट। कंपाउंड इंटरेस्ट हमें ऑलरेडी पता है 378 होता है, और अमाउंट हमें नहीं मालूम है, बट प्रिंसिपल दिया है 1800। अब इस 1800 को लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो 378 प्लस हो जाएगा 1800 इज इक्वल टू ए। अब इनको हम प्लस कर देंगे तो सिंपली ये बन जाएगा 8 + 7 = 3 + 8 हो गया 11 + 1 = 2। तो जो अमाउंट आ रहा है ये आ रहा है 2178। अब हम क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे अमाउंट वाला, ए इज इक्वल टू पी 1 + R/100 T। तो अमाउंट आ गया है 2178 इज इक्वल टू प्रिंसिपल जो है वो है 1800, और ब्रैकेट में जो है 1 + R जो है हमारा अननोन है, डिवाइडेड बाय 100 और पावर ले लेंगे इसका 2। देखिए अब हम क्या करेंगे, ये जो 1800 है इसको यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो 2178 डिवाइडेड बाय 1800 हो जाएगा, और राइट साइड जो है ये 1 + R/100 ये एज इट इज़ रहेगा, और इसका जो ब्रैकेट में स्क्वायर रहेगा। अब देखिए इसको हम कैंसिल करेंगे 3 से, 3 × 6 = 18 होता है, फिर 2 ज़ीरो हो जाएगा, इसको 3 से कैंसिल करेंगे, 3 × 7 = 21 हुआ, देन 3 × 2 = 6 एंड
3 6 हो गया 18, ठीक है, ये फर्दर कट जाएगा, 3 2 6 हो गया, देन 2 0, ये 3 से कटेगा, 3 2 6, 3 4 12, देन 3 2 6, ठीक है। इसको चलिए यहाँ लिख लेते हैं, 1 + r / 100 स्क्वायर इज इक्वल टू 242/200। अब ये फिर कटेगा 2 से, तो ये 100 हो जाएगा और ये हो जाएगा 121, तो कितना आ रहा है, 121/100 आ रहा है। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे स्क्वायर रूट आ जाएगा RHS में, तो हम लिखेंगे 1 + r / 100, तो राइट साइड में क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 121/100। अब जो 121 का स्क्वायर रूट होता है वो होता है 11 और 100 का स्क्वायर रूट होता है 10, तो इस तरीके से इसको लिख लिया। अब ये 1 को राइट हैंड साइड ट्रांसफ़र करेंगे तो r/100 इज इक्वल टू 11/10, ये -1 बन जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे LCM से तो 10, 1 को हम 1/1 लिख सकते हैं, फिर ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये 11 - 10 हो जाएगा, देन r/100 इज इक्वल टू 11 - 10 कितना हो गया 1, तो ये 1/10। अब ये 100 इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा तो यहीं से कर लेते हैं, ये इधर ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 10 कट जाएगा, तो जो r की वैल्यू आएगी केवल जो बचा है नंबर 10, तो ये जो 10 है यही इसका इंटरेस्ट रेट है, 10% का रेट इसमें जो है वो लगेगा। चलिए अब 6th क्वेश्चन करते हैं, इसमें क्या लिखा, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर ₹3200 एट ए रेट ऑफ 12 एनुअली इन 2 years। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको दिया जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रिंसिपल है वो है 3200, और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है वो दिया है 12%, और जो टाइम दिया है वो 2 years दिया। अब क्या करना है, पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालना है और फिर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना, फिर दोनों का डिफरेंस निकालना है कि दोनों में कितना फ़र्क आ रहा है। तो सबसे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, SI इज इक्वल टू P × r × t/100, ठीक है। तो प्रिंसिपल तो देखिए 3200 है, देन r हो गया 12, देन t हो गया 2/100 कर लेना है। अब देखिए 2 0 तो इससे कट जाएगा, बाकी सबको हम यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इन सबको मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 768। तो ये जो है ये क्या निकला आपका, सिंपल इंटरेस्ट। अब हमें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए सबसे पहले हम अमाउंट निकालेंगे, प्रिंसिपल 1 + r/100 / 2, इस फार्मूले से पहले हम निकालेंगे अमाउंट। तो देखिए प्रिंसिपल तो है 3200 ब्रैकेट में 1 + r है 12/100/2 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे, पहले हम 4 3 12 एंड 4 25 100 होता है, तो ये बन गया 3200 ब्रैकेट में 1 + 3/25 फिर / 2, पहले ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करेंगे LCM से, 3200 ब्रैकेट में 25 डिनोमिनेटर में रहेगा, ये इससे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 25 + 3/2 हो जाएगा, देन 3200 देन ब्रैकेट में आ जाएगा 28/25, ये हो जाएगा स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं 3200 × 28/25 × 28/25, दो बार इसको कर लेंगे। अब देखिए इसको हम सबसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करेंगे, 3200 को 32 × 100 लिख लेते हैं, फिर × 28/25 × 28/25, इससे होगा क्या, 25 1 25 हो गया एंड 25 4 100 हो गया। अब देखिए अब इसमें और कुछ नहीं कट रहा है, तो अब क्या करना पड़ेगा, आपको पूरा न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करना है, फिर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करके फिर उसको डिवाइड करेंगे। देखिए न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करने से आंसर आएगा 100352 / करेंगे 25। अब इसको 25 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पे जो आंसर आएगा वो आएगा 4014.8। अब ये तो निकला अमाउंट, अब हमें क्या निकलना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है। तो जो अमाउंट आ रहा है हमारा 4014 आया 0.8, फिर माइनस करेंगे इसमें से प्रिंसिपल यानी 3200, ये माइनस करेंगे तो देखिए इसको माइनस करने पे आंसर आएगा 814.8।
ठीक है। तो ये जो है आपका, ये क्या निकला, ये कंपाउंड इंटरेस्ट और ये सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, 768 है। तो दिख रहा है आपको कंपाउंड इंटरेस्ट ज़्यादा है सिंपल इंटरेस्ट से, अब इन दोनों को माइनस कर देंगे तो डिफरेंस आ जाएगा। तो देखिए जो डिफरेंस है वो है कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट आया हमारा 814.8 और सिंपल इंटरेस्ट है 768। तो इनको माइनस करेंगे तो माइनस करने पे जो आंसर आएगा वो आएगा 46.8।